हो गया, ठंडा पानी आ रहा है एकदम। इतना ठंडा में ठंडा पानी से कैसे नहाएंगे? ये साला जब भी ठंडा आता है ना, ये गीजर खराब हो जाता है। साला प्लम्बर के चक्कर में बेकार कंपनी का गीजर लगा दिए, हर साल साला ठंडी में खराब हो जाता है, और जब तक ठीक कराओ साले को तब तक गर्मी आ जाता है। तमाशा लगा के रखा है, एक बार ठीक कराते हैं साले को, अगर उसके बाद खराब हुआ ना तो फेंक देंगे, नया खरीद के लाएंगे। और इस बार तो कंपनी का गीजर लेके आएंगे, लोकल कंपनी का गीजर नहीं लेके आएंगे। आप चलो प्लम्बर को फोन करते हैं, बुलाते हैं साले को। हेलो लीला, हम टकला नेता बोल रहे हैं, कहाँ पे रहे तुम? अरे हम गीजर लगा रहे किसी के यहाँ, काहे क्या काम है टकला नेता जी आपको? अच्छा अच्छा गीजर लगा रहे हो, तो जल्दी गीजर लगा के हमारा घर पे आओ, हमारा गीजर फिर से खराब हो गया। तुम लोकल कंपनी का गीजर लगा के गए हो, बार बार खराब हो जाता है, हर साल ठंडा आता है वो खराब हो जाता है, बार बार ठीक कराना पड़ता है, और तुम 500 रुपए लेके चले जाते हो। हर साल जब तुमको फोन करो तो 1.5 महीना तुम आने में लगा देते हो, तब तक तो साला ठंडी चला जाता है, तो क्या फायदा गीजर ठीक कराने का? चुपचाप से जल्दी आओ, 10-15 मिनट में ठीक करके जाओ। अरे हाँ टकला नेता जी, आ जाएंगे आ जाएंगे, आपका तो एक ही प्रॉब्लम लगा रहता है हर साल। अरे भैया क्या हुआ, क्या बोल रहा था टकला? अरे कुछ नहीं बाबू, उसका हर साल गीजर खराब हो जाता है, बुला रहा था साला, बोल रहा था गीजर ठीक कर दो, नहाना होगा टकला को ठंडा में, गर्म पानी जो चाहिए, देह मोटा हो गया है, ठंडा पानी से नहीं नहा सकता है। हम लोग गरीब आदमी सवेरे में उठ के 4 बजे ठंडा पानी से नहाते हैं, ट्यूबवेल का पानी होता है ना, उसी से नहाते हैं, हम लोग को कहाँ कोई गीजर वीजर लगता है, हम लोग नहीं लगाते गीजर अपना घर पे। अरे भैया ट्यूबवेल का पानी थोड़ा गर्म आता है ठंडा में, हमको भी पता है, लेकिन टंकी का पानी होता लगेगा तभी हम लोग भी गीजर लगाते हैं, तभी तो आप लोग 2 नट कसने का 1000 रुपया कमाते हैं। गीजर में होता ही क्या है, 2 नट तो कसना होता है, उसका ही 1000 रुपया ले लेते हैं आप लोग। अरे तो तुम ही कस लो ना, हमको कहे दे रहा 1000 रुपया, बकवास करता है, 2 नट लगाना होता है, इतना ही आसान होता तो सब अपने लगा लेता। अरे चुप करो, तो तुम्हारे चक्कर में चला जाएगा मिस्त्री, जब देखो तो बकवास करते रहते हो, एक तो दिमाग खा गए थे दोनों, गीजर लगवा दो गीजर लगवा दो, और इस साल लगवा रहे हैं तो बकवास कर रहे हो, मिस्त्री को भगाने का कोशिश कर रहे हो। सर आपका गीजर लग गया है, गरम कर लीजिए 15-20 मिनट, उसके बाद बंद कर दीजिएगा, उसके बाद नहीं है बढ़िया से, हम आते हैं टकला नेता जी के यहाँ से, उनका गीजर खराब हो गया ठीक करना है। हाँ भैया जाइए आप। क्या बोल रहे हैं, अरे तुमसे तो साले एक काम नहीं हो पाता है, इतना बढ़िया साइड पे तुमको लगाए थे, तुम काम नहीं कर पाते हो, गरिया रहा था हमको फोन करके, काहे नहीं काम करता है सही से तुम, हाँ रुको हम आते हैं। और सुनो बेटू को बोलो टकला नेता जी के यहाँ जाएगा, उनका गीजर खराब है ठीक करके आएगा, और 1000 रुपया लेगा, बोलना 500 में ठीक नहीं करेगा, 1000 रुपया लेगा पूरा। अरे लेला कहाँ है? अरे चाचा हम बिट्टू है, बिट्टू लेला भेजा हमको आपके पास गीजर ठीक करने के लिए। अरे तो वो खुद क्यों नहीं आया है, तुमको काहे भेजा है, तुमको ठीक करने तो आता है ना? अरे चाचा वो दूसरा साइड पर गए हैं काम देखने के लिए, और हमको बढ़िया से गीजर ठीक करने आता है, 20 साल का एक्सपीरियंस है चाचा। साला 17-18 साल का लौंडा है नहीं तुम, मुझ सही से होगा नहीं है, बोलता 20 साल का एक्सपीरियंस है, सही से बताओ ठीक करने आता है कि नहीं, कर पाओगे ना सही से ठीक? हमको नहाना भी है। अरे तुम्हारा लेला कहीं नहीं आया ये भी हमको मालूम है, उसको मालूम था कि वो यहाँ आएगा तो हम उसको झाड़ेंगे, हर बार खराब हो जाता है गीजर, इसीलिए नहीं आया डर के मारे। अरे चाचा ऐसा कोई बात नहीं है, उसको सही में काम था, और हमको बढ़िया से ठीक करने आता है, चिंता मत कीजिए, हम गीजर भी ठीक करते हैं और गीजर लगवाने वाले को भी ठीक कर देते हैं, आपको पता नहीं है इसलिए ज्यादा मत बोलिए, जल्दी बताइए गीजर कहाँ है ठीक करना है। अच्छा ये गीजर है। अच्छा तो तुमको क्या फ्रिज दिख रहा है ऊपर में लटका हुआ, ये वॉशिंग मशीन दिख रहा है, गीजर है ना रे अंधा? उसका रे साले, तुमको ये भी नहीं पता है गीजर है कि फ्रिज है, पूछ रहा है तुम ठीक कैसे करेगा? अरे चाचा गाली मत दीजिए, ये आपका अलग टाइप का गीजर है, ऐसा गीजर हम पहले कभी देखे थोड़ी ना है, हम जब भी लगाते कंपनी का गीजर लगाते हैं, ये तो आपका लोकल गीजर लग रहा है हमको, तभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब कंपनी का गीजर लगा सकते हैं तो ये तो लोकल गीजर है, इसको बढ़िया से ठीक कर सकते हैं हम, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है बताइए। अरे भाई बोले तो, पानी गर्म नहीं हो रहा है, पानी गर्म नहीं आ रहा है। अच्छा इतना मामूली सा दिक्कत है, खाली पानी गर्म नहीं आ रहा है, बाकी सब तो ठीक है ना गीजर में? अरे तो साले गीजर में होता क्या है, पानी गर्म करने के लिए तो गीजर यूज किया जाता है, पानी नहीं गर्म हो रहा है तो किस काम का गीजर, कैसे बोला तुम, इतना छोटा सा प्रॉब्लम है, यही तो साला मेन प्रॉब्लम है, हमको लग नहीं रहा तुमको ठीक करने आता है। अरे चाचा आप हमारा काबिलियत पर शक कर रहे हैं, आपको पता नहीं है हम किसका किसका गीजर लगाए हैं, वो चूड़ा जी है ना उसके अभी हम गीजर लगाए हैं, वो भी एक नहीं 50 गीजर लगा उसका घर में। अरे साले घर में 50 गीजर कौन लगाता है, होटल है क्या, जो मन मारा पकड़ कर रहा है, गीजर बना तुम चुपचाप से बकवास करता है, बताओ क्या दिक्कत है गीजर में, गर्म पानी कहीं नहीं आ रहा है? अरे वही तो चाचा तब से देख रहे हैं, प्रॉब्लम आपका गीजर में नहीं है, टोटी में है। अरे कोई टोटी वोटी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत गीजर में है। अच्छा आप ही मिस्त्री है क्या? हाँ मैडम मिस्त्री, तो हमको पता होगा ना कहाँ दिक्कत है,
आप हमको बुलाए ना काम करने के लिए, तो हम बताएंगे ना कहाँ दिक्कत है। आप चुपचाप से नया टोटी लेकर आइए, लगाएंगे, चेंज करेंगे टोटी, पानी देखिएगा उसके बाद गलम आएगा। अरे यार कौन सा टोटी लेके आएंगे? अरे गीजर के साथ एंगल कॉक लगता है, वो लेकर आइए। जाइए बोलिए दुकानदार को एंगल कॉक देगा। अरे यार वो हम कहाँ जाएंगे, तुम जाओ, तुम मिस्त्री है ना, तुम जाके लेके आओ। ठीक है तो दीजिए 500 रुपया, लाते हैं। अरे 500 का मिलता है? अरे नहीं चाचा, मिलता तो 450 रुपया का है, लेकिन हम जाएंगे तो हमारा मजदूरी नहीं लगेगा, तेल नहीं लगेगा, 50 रुपया हम रखेंगे। अच्छा सर 50 रुपया कमीशन खाएगा? ठीक है लेके आओ, अभी अपना ही पैसा से लेके आओ, बाद में हिसाब कर लेना। ठीक है लेके आओ, अभी अपना ही पैसा से लेके आओ, बाद में हिसाब कर लेना। अरे चाचा ठीक हो गया, चेक कीजिए पानी गर्म आ रहा है। अरे कहाँ गर्म पानी आ रहा है, ठंडा ही तो आ रहा है। तुमको बोले थे टोटी में प्रॉब्लम नहीं है, गीजर में प्रॉब्लम है, फालतू का 500 रुपया लगवा दिया हमारा। क्या बोले चाचा, अभी भी पानी गर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब टोटी में प्रॉब्लम नहीं है। अरे इतना देर से वही तो समझा रहे हैं, टोटी में प्रॉब्लम नहीं है, गीजर में प्रॉब्लम है। अरे नहीं चाचा आप समझे नहीं, प्रॉब्लम गीजर में भी नहीं है। अरे तो भाई फिर किसमें प्रॉब्लम है, साफ साफ बताओ ना, अच्छा प्रॉब्लम है ठीक करो उसको। अरे चाचा एक बात बताइए, आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो तो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं वहाँ से लाइट ही सप्लाई नहीं हो रहा ठीक से? अरे चिपड़ा बिजली ठीक है, हमारा पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है घर में, गीजर ही नहीं चलेगा? अरे तुमको साले तब से बोल रहा है गीजर में दिक्कत है, तुम बार बार टोटी देख रहा है, बिजली देख रहा है, गीजर का नहीं चेक कर रहा है? अरे जबरदस्ती चेक करेंगे क्या, जब बोल रहे गीजर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं और है, वही खोज रहे हम तब से। एक काम कीजिए छत पर चलिए, जहाँ से पानी आ रहा है ना गीजर में, वहीं चलकर देखना होगा, हो सकता है वहीं से ठंडा पानी आ रहा हो। अरे साले वहाँ से तो ठंडा पानी आएगा ना, गर्म पानी थोड़ी ना आएगा टंकी से, टंकी से तो ठंडा पानी आएगा, गीजर ना उसको गर्म करेगा, अगर टंकी गर्म पानी देगा तो गीजर का क्या काम होगा? अरे चाचा देखिए कैसा बेवकूफी वाला काम किया आप, और लीला भैया को भी लगता है ढंग से काम नहीं करने आता है। जहाँ साला पानी स्टोर है गीजर को तो वहाँ लगाना चाहिए ना, जहाँ साला पानी निकालना वहाँ गीजर लगाए आप लोग। चलिए गीजर खोलना होगा, टंकी पर लगाएंगे। अरे साले टंकी पे गीजर कौन लगाता है, तुमको साले बनाने नहीं आता, हम फोन कर रहे अभी लीला को, साला पागल जो मन मेरा बकवास कर रहा है, कैसा कैसा गंवारे लोग प्लम्बर बना दिया है। हेलो क्या हुआ टकरा नेता जी, ठीक हो गया गीजर? अरे यार पहले तुम अपना आदमी तो ठीक भेजो, जो मन मेरा तब से बकवास कर रहा है, इसको गीजर ठीक करने नहीं आता है, उल्टा सीधा बोल रहा है। पहले साला हमने 500 रुपया खर्चा करवा दिया, उल्टा सीधा चीज किया, ठीक नहीं हुआ, अब बोलता बाथरूम से गीजर हटा के टंकी में लगाना होगा तब पानी ठीक आएगा, कौन जोकर को भेजा रहे तुम? अरे क्या बोला टकला नेताजी, बिट्टू ऐसा किया है, फोन दीजिए साले को बताते हैं। अरे फोन स्पीकर पे बोलो, सुन रहा है साला। अरे बिट्टू पगला बोला गया क्या रे, गीजर ठीक करने नहीं आता है तुमको, है? एक काम करो रे, एलिमेंट खराब हो गया होगा गीजर का, ऊपर से खोलो गीजर, एलिमेंट चेंज कर दो, समझे, मार्केट से ले आओ और चेंज कर दो, ठीक हो जाएगा। और अगर उससे भी ठीक नहीं हो तो थर्मोस्टेट चेंज करना, ठीक हो जाएगा, समझ गए ना? अरे भैया ये जो आप नाम ले रहे थर्मोस्टेट और एलिमेंट, ये लगा हुआ कहाँ होता है गीजर में? अरे साले अंदर में लगा होता है, पता नहीं है तुमको, अभी भी बोले गीजर खोलना अंदर में होगा, सुनता नहीं है। अरे भैया हमको कैसे पता होगा, आज तक आप हमको गीजर लगाने का काम दिया है, खोलने का काम थोड़ी ना दिया है, हम तो सबका घर में जाके गीजर लटका के आते हैं, और बाकी सारा काम तो आप ही करते हैं ना, कनेक्शन वगैरह का हम क्या करते हैं? अरे हाँ ये तो हम भूल ही गए, तुमको तो खाली नट लगाने आता है, ठीक करने तो आता ही नहीं है। है चलो पहला दफा काम दिया है, ठीक करो तो सीख जाओगे। एक काम करो गीजर खोलो, एलिमेंट और थर्मोस्टेट वगैरह बोले है ना, जो खराब होगा उसको ठीक कर देना, ठीक है, बाजार से लाके, और जो पैसा लगेगा टकला नेताजी दे देंगे। रे बाबू रे तुम्हारा ये कौन आदमी है, इसको कुछ नहीं पता है, ये कैसे ठीक करेगा, और कितना पैसा देंगे तुमको? 500 रुपये में गीजर ठीक होता है, 500 रुपये ऑलरेडी लगवा चुका है, अब तुम बोला ये सामान वो सामान खराब होगा, ये तो 1000-2000 रुपये चाप लेगा, ठीक भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा उसके बाद भी? और सारा ठीक करा के फायदा क्या होगा, 4000 में तो गीजर ही खरीदे थे ये वाला, इतना पैसा ऐसे में लग जाएगा? अरे अब क्या कीजिएगा टकला नेताजी, सस्ता आप ही ना लगवाए हैं तो ठीक करवाने में तो पैसा लगेगा ना, एक बार करवा के देखिए, कर देगा लड़का चला के। हम आपको तभी बोल रहे थे 10000 वाला गीजर लगाइए, आप बोले ना 4000 वाला लगाएंगे, अगर आप 10000 वाला गीजर लगाते और आपका खराब हो जाता तो आपको अखड़ता नहीं, कहे कि वो महंगा गीजर होता, आप सस्ता गीजर में उतना ही मजदूरी लग रहा है तो आपको अखड़ रहा है ना, चलिए लड़का को बनाने दीजिए, बना देगा। अरे हमको तो यही लग रहा है तुम लोग गीजर नहीं बना रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है। अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, वो हम लोग को बनाने का जरूरत है नहीं, चलिए ना फोन रखिए, हमको बहुत काम है। अब तुमको क्या बोले, हंस कर रहा है, तुमको बोला गीजर ठीक करने तुम हंसने लग गया। अरे चाचा भैया जोक मारे आपको समझ में नहीं आया? अरे वो काम का बात बोला, जोक कब मारा, ठीक करो चुपचाप से। अरे चाचा भैया नहीं बोला, आपको बेवकूफ बनाने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब समझे आप पहले ही से बेवकूफ है, ये तो हमको अभी पता चला कि हम बेवकूफ क्या गीजर बनाने आए हैं, हमको तो पता था हम टकला के आए हैं गीजर बनाने। अरे चुपचाप से गीजर बनाओ, नाटक नहीं करो। चलिए चाचा चेक कीजिए पानी गर्म आ रहा है कि नहीं, ठीक कर दिया गीजर आपका।
अरे चाचा हम आपको पानी चेक करने बोले, आप नाच कर रहे हैं। पानी ज्यादा ही गर्म हो गया है क्या? अरे चाचा तो कुछ बोलिए नहीं रहे, खाली डांसे कर रहे हैं। चलो हम चलते हैं, चाचा को डांस करने देते हैं। लगता है गीजर ठीक होने का खुशी में डांस कर रहे हैं। और लीला भैया को बोल देंगे आकर पैसा ले लेंगे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हॉस्पिटल में? अरे कुछ नहीं टकला, गीजर का बटन देकर नहा रहे थे, करंट आ गया पानी में। पापा हमको बोले थे गीजर का बटन बंद करके नहाना, नहीं तो करंट आ जाएगा पानी में, और हम बटन बंद करना ही भूल गए। अरे हाँ, कई बार बटन चालू होने से करंट आ जाता है। तुमको भी गीजर का पानी से करंट लगा, हमको भी गीजर का पानी से करंट लगा, तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन हमने में वो पागल प्लम्बर आया था, उसके वजह से हमको करंट लगा। साला जोकर का उल्टा सीधा कनेक्शन करके हमको करंट दे दिया, ऊपर से साला बोल रहा था नाच कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं इस साले को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जीवन में कभी भी गीजर का बटन देकर मत नहाइएगा, काहे कि कई बार करंट आ जाता है, जिंदगी भी खत्म हो सकता है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग मेरा कंडी